this is Asha Tirupati, and you are watching Bollywood Spy. Subscribe! खिली चांदनी जैसा ये बदन जन्म मिला तुमको, मन में सोचा था जैसा रूप तेरा आया नजर हमको। सितम खुली खुली सनम गोरी गोरी ये बाहें करती है यूं, हमें तुमने जब गले लगाया तो खो ही गए हम तो। अम्मा किसकी अम्मा? Sorry, It's good. Okay, समझ गए होंगे दोस्तों आप, आज मैं एक बहुत ही खास इंसान के साथ हूँ। इन्होंने अपनी आवाज का जादू दोस्तों इस तरीके से बिखेरा कि हमें दीवाना बना दिया है। नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है इन्हें, और बहुत बड़ी बात होती है इस उम्र पे इस तरीके का नेशनल अवार्ड जीतना। सबसे पहले शाशा तिरुपति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाय में। जी मत लगाइए मेरे नाम के आगे। बहुत बहुत स्वागत है, कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं आपके साथ। तो क्या कहना चाहेंगी इस आवाज, ये जो आपने पाई है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ये कैसे आई आवाज, बचपन से ही थी या फिर डेवलप हुई है? I think singing के लिए तो I mean you kind of need to be gifted. I strongly believe कि वो ऊपर वाले की देन होती है, आपको या तो होता है या तो नहीं होता है। But हाँ, उसको बाद में you kind of develop it, you have to work, it's a muscle, right? So you need to practice, you need to get the right kind of training, you need to know how to practice. So it's a lot of those things. So I was very lucky to have parents who were very supportive. उन्होंने बहुत छोटी उम्र में notice किया कि मतलब मैं गाना वाना गा लेती हूँ, तो so उसके बाद उन्होंने तालीम दिलाना चालू कर दिया and बस वही चल। And आपकी जर्नी कैसी रही, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, क्योंकि विकिपीडिया में बहुत कम है। कम है? मुझे तो मेरा विकिपीडिया पेज इतना लंबा लगता है। So my journey, I started, so I was raised in Canada, you can tell by the accent, although I've toned it down a little. I was raised in Canada, I was born in Srinagar, Kashmir, hum Kashmiri Pandit hain, wo naak se dikhta hai. And Canada mein bas aise hi matlab purane gaane mummy daddy play karte the radio pe, wahan par radios pe yahi chalta hai, matlab purane gaane chalte hain, Hindi gaane chalte hain, to wohi sun sun ke badi hui hu, matlab रफ़ी साहब लता जी के पुराने गाने। हाँ जी, तो मुझे मतलब 30s के भी गाने आते हैं, इतने इतने पुराने गाने आते हैं मुझे। सो उससे शुरुआत हुई, देन एक दिन एक ऐसे कोई गाना एक बज रहा था रेडियो पे, एंड वो सुन करके मैं गाड़ी वाड़ी के साथ भाइयों के साथ खेल रही थी, तो नकली गाड़ी, तो आई वॉज जस्ट सिंगिंग दिस रन, जा जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा, जाओ रे, ये मैं गा रही थी उधर। तो आई वॉज रियली यंग, आई वॉज अराउंड 6 years old at that time. तो मम्मी ने कहा बेटा सुनिए सुनिए आप इधर आइए, सुनिए आप इधर आइए, डैडी को बुलाया मम्मी ने। डैडी आए, कहते बेटा फिर से गाना, वो अभी जो क्या गाया तूने अभी, वो पापा को गा के सुना। तो मैंने दोबारा से गा दिया है। तो देन डैडी इज लाइक, इसको मतलब वी शुड प्रॉब्ली टेक हर टू इंडिया एंड गेट हर टू ट्रेन। देन कनाडा में पंडित जसराज जी आया करते थे, अच्छा, तो उन्होंने मुझे सुना एंड उन्होंने बोला कि आप अपनी बेटी को लेके जाओ इंडिया। तो फिर मम्मी डैडी इंडिया लेके आए, हम अलाहाबाद में, अलाहाबाद गए, वहाँ पर मैंने करीब 6-7 साल सीखा म्यूजिक स्कूल। हाँ जी, मैंने मिसेस कमला बोस से सीखा। उसके बाद एंड आई वुड फ्रीक्वेंट कनाडा, आई मीन आई वुड कीप गोइंग बैक होम, but I was studying and doing that, and then I eventually went back in 2003. Okay. Then I was studying and maine top kiya 96% ke saath. I got some seven scholarships into university, and then main pre med pad rahi thi, and uske baad fir maine guru suna. Okay. Rehman sir ka, and wo sunne ke baad bas matlab दिमाग मेरा ऐसा हटा, मैंने कहा कि नहीं करनी अभी पढ़ाई, अब मेरे को बस यही करना है, मुझे गाना गाना है। सो आफ्टर दैट थोड़ा घर से भाग के मतलब रजामंदी नहीं थी पेरेंट्स की, बट आई टोल्ड देम दिस इज़ व्हाट आई वांट टू, माय हार्ट इज़ हियर, एंड सो आई लेफ्ट कनाडा एंड आई केम टू बॉम्बे अलोन, and I started doing a lot of ad work. I was on a few reality shows. Wow. मत पूछना कौन कौन से। नहीं नहीं। उसके बाद
देन 3 साल मैंने गाना बंद कर दिया. इधर मैं ही बोलती जा रही हूँ ना बस, मतलब कि आपने जर्नी पूछा तो इतनी लंबी जर्नी है मेरी. And I'm leaving out like a lot of details right now. Long story, cutting it short. So then, मैंने 3 साल गाना छोड़ा क्योंकि किसी मतलब एक सेलिब्रिटी ने, बहुत ही प्रोमिनेंट म्यूजिक फिगर हमारी इंडस्ट्री के, ही टोल्ड मी कि मेरी आवाज़ ख़राब है. तो वो थोड़ा मैंने पर्सनली ले लिया. एंड मतलब पर्सनल रिमार्क था तो पर्सनली लोगे. मैं आफ्टर दिस ना पूछूंगा कौन. नहीं वो वो कोई नहीं जानेगा, वो सिर्फ एक बंदे को पता है. ओके रहमान सर को. मैं समझ गया. अच्छा तो एनीवेज तो उन्होंने बोला कि आवाज़ ख़राब है, तुमने 3 साल गाना छोड़ दिया. बट आई एम वेरी स्टबर्न, आई एम अ कैप्रिकॉर्न. तो उसके बाद मैंने कहा कि म्यूजिक तो भाई वो करना ही करना है. तो मैं एट दैट पॉइंट आई वेंट इनटू कंपोजिशन एंड अरेंजमेंट्स एंड प्रोडक्शन, व्हिच इज़ व्हाट आई एम डूइंग विद मोस्ट ऑफ द कवर्स दैट आई डू, आई प्रोड्यूस देम मायसेल्फ. सो या सो दैट हैपेंड एंड देन आई मेट रहमान सर एंड देन वहाँ से मेरी जर्नी बहुत ही अलग हो गई. हाँ वो बहुत एकदम डाइवर्सिफाइड राइट, और बहुत अलग अलग सॉन्ग, अलग अलग टोन्स के साथ. ओके आपने बोला सिंगल कवर्स ज्यादा आ रहे हैं, अभी हमने स्ट्रिंग ऑफ एयर सुना एंड साथ ही साथ हमने देव डी का ओ परदेसी सुना. कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपका? क्योंकि मुझे पर्सनली वीडियो बहुत अच्छा लगा उसका, देव डी का ओ परदेसी, टेढ़ा मेढ़ा और कैमरा एंगल. सो आई लिटरली लव्ड इट. थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, कैसा रिएक्शन है आपका? सो मेरा या लोगों का? लोगों का भी. आपको आई लव मेकिंग, I love creating beats. Like that's just something that I'm that I take a lot of interest in. So I make it a point that beech mein sajna tere bina nahi lagta dil mera. Uska bhi maine ek version kiya tha Nusrat saab ke gaane ka. And the thing is that abhi na jao chhod kar ka bhi kiya tha maine arrangement. The thing is that I usually pick up songs jo mujhe chhute hain and that I feel that kind of inspire me to do something on. Okay. And without contaminating the soul of the song. तो वो बहुत ज़रूरी है. तो मैं अगर एक गाना recreate भी कर रही होती हूँ तो ज़्यादा उंगली नहीं करती हूँ, because you know it's very very important कि गाने की रूह intact रहे, you know. So I also like writing my own songs. Okay. So what I usually do is that in those 3 years I where I had stopped singing, that is when I picked up Nuendo and then I slowly went on to Logic. These are DAWs that I work on. I'm not the best, but I'm kind of figuring myself my way around. So when I was listening to Pardesi ek din aise randomly, I was like, yaar iska matlab is gaane ka female version kyun nahi hai? And I'm a huge fan of Amit's. I mean, his sound and his work and his compositions and his production, it's just, that guy is insane. So, maine kaha ki yaar matlab karna padega to badi tameez se karna padega, nahi to bahut joote padne wale hain. So, I was in the car and I was listening and maine U-turn mara and usually main 3 baje 4 baje raat ko I go out for like a drive, just I'm a night bird, nocturne complete. सुबह 7 बजे सोती हूँ. सो मैं यूटर्न मार के आई वेंट बैक होम एंड आई सैट ऑन परदेसी ऑन लाइक अ ग्रूव एंड आई हैड अ ग्रूव गोइंग ऑन इन माय हेड, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर पहुँची. सो आई मेड अ बीट एंड इट वाज साउंडिंग प्रीटी इंटरेस्टिंग. तो मैंने कहा कि यार इस पे तो मतलब ठीक ठाक लग रहा है. सो देन उसके ऊपर देन आई एडेड अ कपल ऑफ कॉर्ड्स, कपल ऑफ कॉम्प्स हियर एंड देयर एंड देन इट जस्ट स्टार्टेड साउंडिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड देन आई डिड सम लाइक अ होल स्टैक ऑफ वोकल अरेंजमेंट्स ऑन टॉप ऑफ दैट. तो ये करके मैंने एक आध फ्रेंड्स को सुनाया इंडस्ट्री में एंड एवरीवन लाइक डूड तू करिए ये तो अच्छा लग रहा है. आई वाज लाइक चल ठीक है. सो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, सो व्हिच इज व्हाई सो परदेसी हैपेंड लाइक दैट. बट दैट्स द रीजन व्हाई मेरे ओरिजिनल्स निकालने में मुझे काफ़ी हेजिटेशन होती है बिकॉज आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट अबाउट. Even as a singer I'm not very confident, but as a composer I or as a songwriter I think I am all the more hesitant. And so my her Tuesday ko on my Instagram I do a hashtag Tunesday series. So usme kya karti hu hashtag Tunesday, you can follow me on Instagram. Yeah. Sasha Sublime. So Tuesdays ko main hashtag Tunesday karti hu jisme ke I put up just on my phone I'll shoot like a small cover of a song. I'll sing a few lines of a song 1 minute ka, because 1 minute ka hi time milta hai usme, of a song jo probably बहुत पुराना है कि मतलब लोगों ने सुना ना हो, या अब अ सॉन्ग जो आके चला गया लेकिन लोगों तक पहुंचा नहीं है.
तो ऐसे कितने सारे होते हैं ना, कुछ गाने प्रमोट होते हैं, कुछ गाने नहीं होते हैं. तो कई बार होता है कि यू नो यू हैव दैट हिडन जेम इन इन एन एल्बम. तो मैं यूजुअली वो सारे गाने आई ट्राई एंड डू दोस, एंड देन ऑफ कोर्स मेरे फैंस के जो रिक्वेस्ट आते हैं दोस आई डू. सो इस हफ्ते देयर वाज जस्ट समथिंग, आई वाज गोइंग थ्रू दिस फ्रेम ऑफ माइंड, आई वाज आल्सो वेरी मूडी. तो बस ऐसे ही, मतलब एक थोड़ा दिमाग खराब था मेरा उस दिन. तो आई वाज जस्ट राइटिंग अ सॉन्ग एंड एक मेलोडी आई एंड उसके बाद फिर आई रोट सम लिरिक्स डाउन एंड आई वाज लाइक यार यू नो ये करेंगे. एंड इत्तेफाकन एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी उस टाइम पे, एंड उसने कहा कि तू यार तू अपने ओरिजिनल्स क्यों नहीं डाल रही है, व्हाई यू नॉट रिलीजिंग योर ओरिजिनल्स. तो मैंने कहा यार वो लेबल यू नो के थ्रू करूँ या मतलब इंडिविजुअली करूँ, कैसे रीच कैसे होगा. एंड एंड इंडिपेंडेंट म्यूजिक इटसेल्फ इज दैट काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पर कि इट्स इट्स वेरी इट्स नॉट प्रोड्यूसर नहीं है यू नो उतने उस तरीके की फंडिंग नहीं है, स्टार कास्ट नहीं है, वो सब नहीं है. सो यू प्रीटी मच ऑन योर ओन व्हेन यू You know, and you're with your fans. So, आपके पास ये दो लोगों का sure shot help होता है. उसके अलावा everything is very, you know, fickle. So, मैंने कहा कि यार मतलब I want, if I'm releasing something, I would want it to reach the maximum number of people. तो बीच में मैंने वो lyrics जो थे string of air के वो मैंने विशाल को भेजे. And I'm a huge admirer of Vishal Dadlani. I cannot tell you how much. Probably, you know, in my top five favorite people in the world. One of them is him. And I sent off the lyrics to him and he was very supportive. He gave me a couple of pointers in terms of how to, you know, tweak it and how to make it a little nicer. And then Mohan Kannan is another friend of mine, okay, really good friend. So I sent it to him and he was also, you know, very supportive through the whole thing. So then I decided ki kaam karte hu yaar, tunes de matlab parso hai. तो ओवर नाइट हम लोग 2 बजे बैठे हैं रात के, हमने ट्रैक कंप्लीट किया बाय अराउंड 10 o'clock इन द मॉर्निंग. देन वो लोगों को नींद आई तो वो लोग सो गए जो लोग अरेंज कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे. आई डिड द अरेंजमेंट्स. देन द नेक्स्ट नाइट 1 बजे पूरा वीडियो टीम इकट्ठा हुआ एंड सुबह के 6 बजे तक हमने वीडियो शूट किया एंड शाम के 6 बजे आई थिंक हमने अपलोड किया. सो बड़ी मतलब घाई घाई में हुआ है सब कुछ, जल्दबाजी में हुआ, बट आई वॉज वेरी हैप्पी विथ व्हाट टर्न्ड आउट. एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक फॉर मी दैट बिकेम अ मेजर अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट टू बिगिन यू नो पुटिंग माई ओरिजिनल्स आउट. एंड वो फियर एक चला गया, वो एक एप्रिहेंशन चला गया. एंड आई गॉटन अ लॉट ऑफ सपोर्ट, विशाल शेयर्ड इट एज वेल. आई गॉटन अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीपल फ्रॉम विद इन द इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन एज वेल एज फ्रॉम माई फैंस एंड एवरी वन. सो अगैन एंड इट्स एन इंग्लिश सॉन्ग, सो यू नो यू काइंड ऑफ वेरी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ यू नो द मार्केट दैट यू कैन पेनिट्रेट. बट हैविंग सेड दैट, उस हिसाब से आई थिंक यू नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव रियली नोटिस्ड द सॉन्ग एंड द नेक्स्ट वन कम्स आउट इन लाइक 20 days. Oh wow. क्या बात है. Congratulations. Thank you. शाशा, आपने एआर रहमान सर के साथ काम किया है. जी. मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से उनका सारा perspective होता है, किस तरीके से वो approach होती है, आपको वो किस तरीके से help करते हैं, and plus क्या वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि अगर ये कॉर्ड नहीं जा रहा तो इस पे नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसा गाओ ऐसा गाओ, किस तरीके की प्रोसेस रहती है? पता है वो एकदम उल्टे हैं इसके. ओके. ही इज अगेन सर इज आल्सो कैप्रिकॉर्न, तो मतलब आई कैन रिलेट इन अ लॉट ऑफ वेज. कैप्रिकॉर्न्स इन जनरल आर अ लिटिल टेंपरामेंटल, बट रहमान सर इट्स यू नो इट्स एनलाइटनिंग वर्किंग विद हिम. यू गेट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट सो उनका क्या है ना कि अगर उनको कोई चीज ही लाइक समथिंग अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, ही विल नेवर बी लाइक नहीं नहीं लेकिन मैंने ऐसे बताया, मैं कंपोजर हूं तो ये फॉलो करो. नेवर. ओके. विद हिम इट्स इफ देयर इज इवन दिस मच ऑफ समथिंग दैट यू आर सिंगिंग और समथिंग दैट यू हैव डन और यू नो इट कुड बी अ साउंड दैट यू हैव मेड एंड इफ ही लाइक्स इट ही विल बी लाइक दैट वाज नाइस. You know, so it's a very constructive and a very proactive way of working. And that's a rarity, you know. There's very few composers who I've worked with who have that kind of a... and nowadays, I think it's a lot more, you know. A lot of the current composers are very open to, you know, they have that kind of an attitude. And it's very beneficial to the song as well, because what happens is that when you're calling a singer... composer ka to it's the composer's baby, like the song is the composer's baby. On top of that, jo singer hota wo us bacche ko kapde pehna raha hai. Yeah, you know, it's adding little things to that child's personality. So
I think a lot of times when composers are open to the singer interpreting the song in their way, it you don't know what they're going to bring to the table, you know? So I think that's one beautiful thing about Rehman sir. And another thing is that every time you go, there's 100 things that I learn from him and that I'll come back and I'll apply in my life. ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है बिकॉज एंड वो चीज़ सिर्फ म्यूजिक सेंट्रिक या सिर्फ वो नहीं है कि मतलब आप टेक्निकली कुछ सीख के आ रहे हो उनसे आप यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन अ वेरी स्पिरिचुअल फ्रंट यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लाइफ इन जनरल एंड समथिंग दैट्स वेरी अनकैनी इज दैट ऑफन टाइम्स ही काइंड ऑफ इनडायरेक्टली विल से समथिंग विच इज़ वेरी रेलिवेंट टू यू इन दैट मोमेंट. Oh, okay. Like I could be in a particular state of mind and I could be there for a recording and he'll say something and you're like, dude, main itne din se is cheez ko leke pareshan thi. I just got my solution, you know? Oh, wow. Yeah. So that happens with him as well. So it's beautiful working with him. Jaise Harry Potter mein Dumbledore the. I love Dumbledore. Right? Oh, that's actually a great analogy. Yeah. That is a great analogy. Thank you. I'm going to steal that. Sabko bata ke steal kar rahi hu. Shasha, agar main baat karun to ek प्रेरणा स्रोत होता है, मतलब कि एक मोटिवेशन आता है. बहुत सारे सिंगर्स हैं इंडस्ट्री में, लेजेंडरी सिंगर्स हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं. आपकी लिस्ट में वो कौन से सिंगर हैं जिनका काम को देख के, वर्क फ्रंट को देख के आपको लगता है कि यस यार मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है? यार मेरा क्या है ना, मेरे को अगर मतलब एक बच्चा भी दिखता है ना जो अच्छा गा रहा है, जिसके अंदर वो है जो मैं नहीं कर सकती, मेरे लिए वो एंड यार इतना टैलेंट भरा है ना हमारी कंट्री में कि एंड आप अब्रॉड तो छोड़ दो, मतलब हमारी कंट्री में ही इतना टैलेंट है. तो आप सोचो कि मतलब सो फॉर मी आई थिंक अगर आप हर किसी से कुछ आप अगर लेके अपने आप इम्बाइब कर सको तो आई थिंक हम खुद कितने बेहतर हो सकते हैं. तो फॉर मी आई थिंक एवरी वन आई सी व्हाटएवर इज़ गुड इन पीपल एंड आई ट्राई एंड incorporate that. There are people who in the past I've looked up to, which of course, I mean, ek naam to everyone would know, Rehman sir. But apart from him, I've already mentioned Vishal. Amit. Yes. And these are people, jinka ki matlab, I think one thing that I really respect about these guys is that they, jahan par bhi inko talent dikhta hai, ये उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं. एंड ये दैट्स अगेन दैट्स अनदर रेयरिटी, क्योंकि इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है. एंड ऐसे में इफ देर ऑल कंपोजर्स, देर ऑल प्रोड्यूसिंग, देर ऑल डूइंग एंड देर डूइंग देर ऑल सिंगर्स एंड देर एक्सेप्शनल एट व्हाट देर डूइंग. देर जस्ट द ऑपोजिट इन टर्म्स ऑफ यू नो the sense of insecurity that they should have, that people usually have, not that they should have, that people usually have. Okay. And which is why agar koi acha backing vocals yaar ab Vishal Dadlani ke sir ke aap backing vocals sun lo, it will be like yaar kya hai ye. Correct. And agar wahin par ek 16 year old ya ek 17 year old kuch backing karke usne kuch post kiya, ye log sabse pehle usko share karke bolenge dude check it out, and that is phenomenal. I hats off to people like them, you know, I mean, there's so much tremendous respect to them, which is why I really look up to them. As musicians, as producers, I love Bon Iver. I really dig him. Billie Eilish, I've recently been listening to, a huge fan of her work. Michael Bublé has been a long time favorite, and Norah Jones, yeah. I've been tremendously influenced by Norah growing up, so. Okay, मतलब ग्रैमी का विचार है सीधे अब आपको. Well, it's too far-fetched. नहीं, it will be possible. Thank you. All the best for that. Shasha, अगला क्वेश्चन मेरा है, जिस तरीके से रिमिक्स का जमाना है, अगर मैं बात करूं 2019 की, फॉर एन एग्जाम्पल एक फिल्म आती है जिसमें कि सारे गाने रिमिक्स के ही थे. मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ थोड़ा सा समझिएगा. ठीक है. सो मुझे ये बताइए कि क्या क्या बॉलीवुड में, मतलब अगर मैं बात करूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, कहीं ना कहीं ये बहुत इजी गोइंग हो रहा है, या फिर आपको क्या लगता है कि ये प्रोड्यूसर्स पैसे खर्च नहीं करना चाहते, या टैलेंट की कमी हो गई है इंडस्ट्री में? व्हाट इज योर टेक ऑन रिमिक्स एज यू हैव डन वन? आई हैव डन अ फ्यू. सॉरी. सो सी द थिंग इज दैट व्हेन इट कम्स टू
आई थिंक हमें ना आम खाने से मतलब रखना चाहिए, हमें यू नो गुठलियाँ गिनने से मतलब नहीं रखना चाहिए. एंड द रीज़न आई एम सेइंग दैट इज दैट अगर मान लीजिए एक बड़ा ही बेहतरीन गाना है जिसका रिक्रिएशन हो रहा है, अब उस गाने को इन्जॉय करो ना. ओके, सो वाई शुड वी कंपार्टमेंटलाइज कि रिलीज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या होना चाहिए. आई थिंक इट शुड बी मोर एंड आई एम नॉट सेइंग दैट ओरिजिनल. I personally am creating original content as well. So for me, I should be the first person to be, you know, advocating more original music. But I'm just saying that I don't think there's a harm in. And yaar, kitne baar to matlab kitne purane gaane jo matlab again jo main covers mein apne karti hu, apne Tunes Day series pe karti hu, ki bahut sare purane gaane log bhool chuke hote hain. Wo agar aap recreate karke usko wapas aaj ki generation ko suna rahe ho. तो इट्स वंडरफुल ना. एंड क्या पता कि उसे सुनने के बाद आज का जनरेशन पीछे जाके बोले कि यार इसका ओरिजिनल कैसा रहा होगा. राइट, सो इट्स लाइक ओल्ड वाइन सर्व्ड इन अ न्यू बॉटल. ओके, सो दैट्स माय एनालॉजी ऑन रिक्रिएशन. सो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट एज लॉन्ग एज पीपल आर एंजॉयिंग द म्यूजिक. यू नो, एंजॉय द म्यूजिक गाइस. वाओ, शाशा अगला क्वेश्चन है. करंट जनरेशन के बहुत सारे सिंगर्स हैं, कौन से सिंगर्स का आपको वर्क ज्यादा प्रोमिनेंट लगता है और आप किसके बड़े फैन हैं? अगेन यार, ये वही चीज हो गई. मतलब नहीं, सब में कुछ होता है ना. तो बट एक दो जो बताइए ना प्रोमिनेंट का. आई ओके, सो आई रियली लाइक यार अरिजीत इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर मी. ओके, अरिजीत इज द पर्सन जिसको सुन के आप इतना कुछ सीख सकते हो ना. मैंने कितने उनके गाने सुन करके बस सीखा है कि यार यहाँ पर मतलब सांस किस तरीके से लिया है वो अभी तक नहीं समझ आया. मतलब दैट्स द काइंड ऑफ स्कूल अरिजीत इज. Vishal Dadlani is one of them. And then Sid Sriram, I don't know if you've heard of him. Sid Sriram. Yeah, he's very active in the South ka scene. Down. Yeah, down south. And he's doing a lot of original music and he's very original. Okay. In terms of the way he kind of amalgamates his Western and Carnatic influences. Okay. So any a very interesting sound. So Sid Sriram is one of them. And abhi recently maine Abhijit Srivastav ko suna. Oh. And I am like, yaar kya gaata hai. I really like Abhijit Srivastav. He's just sung. Kaun sa wala song suna? Chashni. Haan, to uska review bataiye. Kaisa laga? Yaar, maine jo teaser tha wo maine kareeb I think maine ek din mein 200 baar suna. Mujhe matlab aisa pyar ho rakha hai us gaane se. So I'm really liking. Abhi main uthaungi and I'll probably see if I can sing it for my Tunes Day. But Abhijit is a singer that I'm really digging right now. Okay, yeah. Okay. Aur agar main us video ki entire video ki baat karu jo ki song release ho chuka hai, wo kaisa laga aapko? मुझे बहुत अच्छा लगा यार. I love Katrina. So yeah, I really liked it. Are you excited for Bharat? I am anticipating Bharat because I'm a huge Katrina fan. And other than that, I mean, of course, Salman is coming back with a new film after quite a while. So I'm of course, and it's been shot so beautifully. I love how Chashni's been shot. Yeah. The cinematography is beautiful. Beautiful. Yeah. So super excited. Yes. Okay. Are you a fan of Avenger? Yeah, but I've not seen it yet. नहीं देखी अभी. Time नहीं है. Okay, तो आपने Avengers नहीं देखी अभी? नहीं, अभी नहीं देखी. Okay, मैं एक आपसे गाना गवाना चाहता था String of Air का, तो मुझे और दर्शकों को थोड़ी सी लाइन सुना दीजिए उसकी. Of course. Da, yeah, you just felt right in the moment. I never had to hide under the me corroded. I hung from a string of air tied to your patience bare as you flipped through my pages to not once confine but to read between the lines, read between the lines. Oh, how the heart makes the mind all fuzzy, like mercury stuck until the day dried up. And as my head unfogged, I was back to black and you'd insult. 'Cause ours was the story of black and light.
Cause ours was the story of black and light. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. दर्शक भी ताली बजाएंगे ऐसे ही. दर्शकों कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. शाशा चलते चलते आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा मैं. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बता दीजिए थोड़ा सा हमें, जो पाइपलाइन में नहीं है, जो कॉन्क्रीट है वो बता दीजिए. सो दिस ईयर will be, I mean, besides film songs, I do sing in around 13 languages, so that's all for films. Apart from that, I am doing quite a bit of originals this year, so you guys will, there's one with Mohan that I'm doing. We're releasing a single very soon. It'll be in the wedding season this year, so that is due for release. The song's called Kora Dil, and or maybe Siyahi. I'll be deciding between both the names for the song. I'm always in a state of confusion in terms of what to name my song, na? So that is coming out. It's a duet. It's a romantic song. Beautiful, beautiful. And then there's a few more English singles that I'm doing. There's a few more, there's a few Punjabi songs I'm doing. Then there's a couple of Hindi songs that I'm doing as well. So stay tuned, guys. And please support independent music and me. So, दोस्तों ये हैं शाशा तिरुपति, जिन्होंने हमारे साथ ढेर सारी बातें की, आपको इतने अच्छे अच्छे गाने सुनाए. आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आपको इनकी आवाज कैसी लगती है इसके बारे में भी जरूर बताइएगा. और इसी तरीके के दिलचस्प इंटरव्यूज मैं लाऊंगा राहुल भोज आप लोगों के लिए आपके फेवरेट चैनल में. सो कीप ऑन वॉचिंग अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन अंकित चौरसिया.